हेलो गाइस, वेलकम टू एन एकेडमी। मेरा नाम है परिकल्प और अभी हमारी जो क्लास है वो है आज की 20 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स। नमस्कार गाइस, आ जाइए आप लोग और क्लास को शुरू करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एन अकेडमी लाइव रेलवे एग्जाम, सो दैट आपसे क्लासेज मिस ना हो। अगर आपके पास एन अकेडमी ऐप नहीं है तो आप इसको ऐप स्टोर और गूगल प्ले दोनों जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। अन अकेडमी पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस आपके घर से, आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, पूरा सिलेबस कवर होता है और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलता है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए, अगर आपको जो है सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, परिकल्प वाई डिटेल से आपको 10% ऑफ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, करंट अफेयर्स 20 जुलाई। और पहला क्वेश्चन है भाई आपका, ये कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने कि निष्ठा प्रोग्राम हाल ही में लॉन्च किया है? निष्ठा प्रोग्राम आपकी किस मिनिस्ट्री का आया है? अभी हाल ही में ये प्रोग्राम आया है। बोलिए। निष्ठा प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री का आया है? ओके, सो ये आपका जो प्रोग्राम है ये आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी मिनिस्ट्री का है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, तो ऐसा है कि यूनियन एचआरडी मिनिस्टर जो आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी और आपके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के संजय धोत्रे, इन दोनों ने मिलकर पहला प्रोग्राम शुरू किया निष्ठा। और निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये आपका प्रोग्राम क्या है? ये हमारा जो है इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, यानी कि टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जाएगी। और ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है अपनी तरह का। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम तो वो आपका निष्ठा है, ठीक है, इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग कराने वाले हैं। चलिए, हिंदी में भी आपको ये पूरा लिखा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है मनसुख मंडाविया, उन्होंने पहला कंटेनरशिप इनॉग्रेट किया है जो कि कोलकाता से अगरतला तक जाएगा, कोलकाता द्वीप पोर्ट से जो है आपके अगरतला तक जाएगा और ये जाएगा आपका चट्टोग्राम से। तो चट्टोग्राम आपका किधर पड़ता है? यस सुलक्ष्मी जी, सही है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट शिपिंग मनसुख मंडाविया कहां पे है ये? चलिए, तो अगर इसकी बात करें तो ये आपका पड़ता है बांग्लादेश में, ठीक है, ये पोर्ट आपका पड़ता है बांग्लादेश में और बांग्लादेश से जोड़ा जा रहा है, तो ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर जो है शिपिंग के मनसुख मंडाविया, उन्होंने पहला कंटेनरशिप किया है और ये कंटेनरशिप आपका वेस्ट बंगाल से आगरा जोड़ता है, ठीक है। चलो, ये एक अल्टरनेट रूट हमने निकाला है ताकि इंडिया से नॉर्थ ईस्ट, मतलब जो इंडिया मेन लैंड है उससे नॉर्थ ईस्ट को हम जोड़ सके सीधा सीधा, उसके लिए बांग्लादेश का रूट यूज किया गया है। तो अगर इस रूट को आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको समझाता हूं, ये आपका जो है कोलकाता है और इस कोलकाता से जो है आपका ये जोड़ा जाएगा, ठीक है, यहां से इस पोर्ट के थ्रू हम यहां जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये इंडिया के मैप में आप देखो तो ये वाला पार्ट अगर आप इसको देखेंगे तो यहां से क्या है, ये कोलकाता है, कोलकाता से ये आपका पड़ता है चट्टोग्राम पोर्ट और चट्टोग्राम पोर्ट से ये आपका अगरतला है जिसको जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो यूं करके हमारा ये पोर्ट जोड़ने की कोशिश की जा रही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने कि सीबीएसई के साथ मिलकर 2020-21 के करिकुलम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाई है। एआई आपका आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बोले। यस आईबीएम, ठीक है शशांक, करेक्ट है, आईबीएम आंसर है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं आईबीएम के बारे में। तो सीबीएसई जो है आपका, ये आपका नेशनल लेवल एजुकेशन बोर्ड है
जिसको कि यूनियन गवर्नमेंट संभालती है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसकी शुरुआत हुई थी 3 नवंबर 1962 में। अगर आपसे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एचआरडी मिनिस्ट्री आती है, रमेश पोखरियाल निशंक जिसके मंत्री हैं इस समय, ठीक है। आईबीएम जो है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, ये आपकी अमेरिकन कंपनी है जो कि इस समय 170 से ज्यादा देशों में है। फाउंडर इसके थे चार्ल्स रेनलेट फ्लिंट और ये आपकी ढूंढी गई थी 1911 में। अभी वर्तमान में जो सीईओ है उनका नाम है अरविंद कृष्णा और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है न्यूयॉर्क यूएसए। न्यूयॉर्क में भी आपका अरमोंक जगह है लेकिन आप न्यूयॉर्क भी याद रखोगे तो बहुत है, ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए आपका है। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, सीईओ पूछा जाता है, हेडक्वार्टर पूछा जाता है, ये आपके रेलवे में बहुत पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये कौन सा देश है जिसने कि इंडिया के साथ मिलकर अफ्रीका और एशिया में ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट शुरू किया है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। इंडिया के साथ मिलकर आपके प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, कौन सा देश है? यस, रशिया, ठीक है, करेक्ट है। कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए रशिया ठीक है, रशिया आंसर है, ओके ठीक है। शशांक करेक्ट, ना 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 ना, रूस के साथ, रूस के साथ मिलके ये सारी मित्रता हमारी देश रशिया के साथ चलती है। भूपेंद्र करेक्ट है, रशिया आंसर है, ठीक है। देखो तो इंडिया और रशिया मिलके जो है आपके इंडिया रशिया रिलेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कि दो तरह से लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। एक आपका इसमें काम कर रहा है जो है उसका नाम है रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल, ये रशिया के साथ से साइड से काम करेगी, और इंडिया के साइड से आपकी इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स काम करेगी, ICWA, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स इंडिया के साइड से काम करने वाली है। चलिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने की स्मृति वन जो है शुरू किया हरेला फेस्टिवल के, उसमें हरेला फेस्टिवल के उपलक्ष्य में स्मृति वन आपका शुरू किया है? हाँ, उत्तराखंड, ठीक है, यस, ठीक है, शशांक करेक्ट है, उत्तराखंड आपका आंसर है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड, हाँ सचिन करेक्ट, उत्तराखंड आपका जो है, यहाँ के सीएम की अगर बात करें तो सीएम है आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, है ना, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो ये आपके सीएम है यहाँ के। और इन्होंने जो है शुरू किया है आपके अस्थल विलेज में, देहरादून में एक जगह है अस्थल गांव, वहां पर शुरू किया है। एक वहां के लोकगीत लोक गायक थे जिनका नाम था जीत सिंह नेगी, तो जीत सिंह नेगी जी की मृत्यु हो चुकी है और उनके याद में, उनके सम्मान में आपका ये हरेला फेस्टिवल के उसमें करा गया है उनके गांव में, ठीक है। गांव का नाम याद रखना, अस्थल विलेज। अब दूसरी चीज, ये हरेला फेस्टिवल क्या है? तो हरेला फेस्टिवल एक्चुअल में जो है आपके मानसून की शुरुआत में मनाया जाता है। मॉनसून जब आ रहा होता है तो मॉनसून के आने के सम्मान में आपका जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो एक्चुअल में ये आपका 3 बार मनाया जाता है उत्तराखंड की बात करें तो, ठीक है, क्योंकि आपका मॉनसून आता है फिर आपका मॉनसून रिटर्निंग वाला भी होता है, इस वजह से आपका ये 3 बार मनाया जाता है साल में। चलिए अगला ये है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT-IN जो है आपकी, उसने किस देश के नेशनल साइबर डायरेक्टरेट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है ताकि साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके? चलिए, किस देश के साथ जो है इंडियन इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने जो है वो किया है, साइन अप किया है, साइबर सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं? बढ़िया, अभी आपको पता चला होगा 3-4-5 दिन पहले ट्विटर पे जो है वो हुआ था, काफी सारे अकाउंट्स हैक हो गए थे। उन्हीं सारी चीजों को ध्यान रखते हुए हम लोग थोड़ा सा स्केल अप कर रहे हैं साइबर वे, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको ज्यादातर सिक्योरिटी के बारे में पता नहीं है, फिर उनसे प्रॉब्लम होती है इसलिए। हाँ ठीक है, शशांक, सुबलक्ष्मी, सचिन करेक्ट है, इसका आंसर है इजराइल। इजराइल के साथ मिलके हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हमारी जो ये कंपनी है इसका नाम है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है, और ये आपकी नोडल एजेंसी है जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ साइबर सिक्योरिटीज के लिए काम करना, यानी कि हैकिंग और फिशिंग। तो फिशिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, हैकिंग तो आप जानते हैं कि जब हम किसी के भी पेज पर डायरेक्ट एंट्री करते हैं तो उसको हैकिंग बोलते हैं, यानी कि मेरा जीमेल अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट, कोई भी अकाउंट है, अगर उसमें कोई और बिना मेरा पासवर्ड क्रैक करके चला जाता है, दैट इज हैकिंग।
फिशिंग क्या होता है? फिशिंग का मतलब होता है जैसे आपका फेसबुक पेज है ना, या सेम उसी तरह वेबसाइट की तरह का आपका एक डुप्लीकेट पेज बना दिया गया है, और उस डुप्लीकेट पेज में आप जो भी चीजें डालेंगे वो चीज आपकी सीधे सीधे हैकर के पास पहुंच जाएगी। ये चीज होती है फिशिंग, ठीक है। तो ये आपका जो सर्ट आईएन है, यानी कि आपका ये एजेंसी, ये बनी थी 2004 में, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है, और इसका मोटो है हैंडलिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। ठीक है, जय श्री कृष्णा। कौन सी पीएसयू है जिसने की नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ मिलके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढ जा सके? रिन्यूएबल एनर्जी आपकी कौन सी, जैसे आपकी जल ऊर्जा बनती है, पवन ऊर्जा बनती है ना, और हीट एनर्जी उससे बनेगी, जो तुम्हारी थर्मल एनर्जी बनती है, ये सारी चीजें वेव थर्मल वाली। करेक्ट, मान लेते हैं तुम कह रहे हो तो ठीक है। यस, तो इसका आंसर है एनटीपीसी, शशांक, रजनी, सुषमा, प्रदीप, करेक्ट है। इसका आंसर है एनटीपीसी, ठीक है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन पहले नाम था, पहले इसका नाम था नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और अब इसको बोला जाता है एनटीपीसी लिमिटेड। ये आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी मतलब वो कंपनी जो कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। जितनी भी कंपनी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आएंगे उनको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। जैसे तुम्हारी सेल हो गई, भेल हो गई, एनटीपीसी हो गई, ये सब, ये आपकी जो बनती है कंपनीज, ये आपकी बनती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, आपका ये कंपनीज एक्ट आता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक आपका कंपनीज एक्ट 1956 है, इसी के थ्रू आपका एयर इंडिया भी बना था। ये एयर इंडिया की, सॉरी, एनटीपीसी की शुरुआत हुई थी 1975 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आपके गुरदीप सिंह जी। चलिए अगला ये है, रोस क्रिश्चियन ओसुका रापोंडा, ये आपकी पहली प्राइम मिनिस्टर बनी है किस देश की? रोस क्रिश्चियन ओसुका रापोंडा, बढ़िया नाम ना, चलाया जा सकता है, ये नाम चलाया जा सकता है। और अगर आज की क्लास आप लोग को पसंद आएगी तो आप लोग शेयर करना, ठीक है, ये लिंक जितना शेयर कर पाओ उतना शेयर करना, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ज्यादा अच्छा करने का। यस, शशांक, रजनी, करेक्ट है। इसका आंसर है गैबन, ठीक है। यस, गैबन या गबन, आप जो भी कंट्री बोल लीजिए, ये आपका है। ओके, ठीक है। सुबलक्ष्मी, सचिन, करेक्ट है। रजनी, करेक्ट है, ठीक है। तो ये जो गैबन कंट्री है, ये आपकी पड़ती है सेंट्रल अफ्रीका में, अटलांटिक कोस्ट के पास में, ठीक है। ये कंट्री आपकी जो है, इसकी कैपिटल है आपकी लिबरविल, यहां पर जो करेंसी चलती है वो है आपकी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रांक, कॉन्टिनेंट इसका अफ्रीका लगता है, लैंग्वेज इसकी फ्रेंच है, और यहाँ के प्रेसिडेंट है आपके अली बोंगो ऑनडिम्बा, ठीक है। अगर देश की मैं बात करूं तो ये देश आपका जो है पड़ता है, ठीक है, ये, ठीक है, ये आपका देश है, ठीक है। अगर आप देख पाए तो इधर इधर आपका नाइजीरिया है, ये आपका इधर साइड में सूडान पड़ता है, इधर आपका अंगोला पड़ता है, और इंडिया से डिस्टेंस आपको दिख पा रही होगी, ठीक है। ये डिस्टेंस है इंडिया से आपकी गबन की, जिसको मैंने सर्कल किया, ये है, हाँ, लिबरविल मैंने बताया। तो चलो अगला क्वेश्चन ये है, आरबीआई ने श्याम श्रीनिवासन जी का एमडी और सीईओ के रूप में रीअपॉइंटमेंट किया है, कौन सी बैंक में रीअपॉइंटमेंट किया गया है श्याम श्रीनिवासन का? हाँ, और क्या, इसी तरह के नाम, वो मूवी याद आ रही है, एक मूवी में भी था ना कि ऐसे नाम बताते बताते रास्ता गुजर जाएगा, वो फिर शुरू करता है अय्यर, श्री गोपाल अय्यर, फिर ऐसे ऐसे करके लंबा बताता है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे मूवी का। यस, करेक्ट है शशांक, फेडरल बैंक आपका आंसर है। यस, फेडरल बैंक है आपका, चलेगा। सचिन, शशांक, रजनी, सुबलक्ष्मी, करेक्ट है। इसका आंसर है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक आपकी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, और ये जो है आपकी अबू धाबी और दुबई में भी चलती है, यानी इंडिया के अलावा इनकी अबू धाबी में ब्रांच है और दुबई में ब्रांच है। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है अलुवा कोची में, जो कि केरला में जगह लगती है। फाउंडर इसके थे केपी हरमिस, और इसकी ये फाउंड की गई थी आपकी 1931 में, ठीक है। और एमडी और सीईओ का नाम आपको मिल ही गया, श्याम श्रीनिवासन, तो वो लिखने की जरूरत नहीं थी। चलो अगला क्वेश्चन ये है, 2020 का टिफ ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड किसको मिला? टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो टिफ है आपका, उसमें किसको मिलेगा ये अवार्ड? अभी मिला नहीं है ये अवार्ड, ये मिलेगा। हाँ, तुम लोग अपनी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस बता दो, देखते हैं किसकी वाली लग जाती है। हाँ ठीक है,
शशांक करेक्ट है। हाँ हेडक्वार्टर अलुआ बताया तो मैंने। हाँ ठीक है शशांक इसका आंसर है, केट विंसलेट करेक्ट है। यस रजनी सचिन ठीक है, केट विंसलेट इसका आंसर है। और टोरंटो इंटर फेस्टिवल जो आपका, ये टोरंटो में मनाया जाता है। टोरंटो आपका पड़ता है ऑन्टारियो में जो कि कनाडा में है। ठीक है इस साल वाला जो होगा ये आपका 10 सितंबर से 20 सितंबर 2020 के में होगा, जिसमें केट विंसलेट को पुरस्कार मिलेगा। इसकी शुरुआत हुई थी 1976 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की। और इस समय अभी करंट में जो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है आपके जोआना विसेंट। ठीक है हॉलीवुड की होंगी और क्या, फुल इंग्लिश बोलने वाली, फुल कामा फुल स्टॉप के साथ जो इंग्लिश बोलती हैं वो वाली हैं ये, उतना तो हम लोग जोड़ भी ना पाते। चलिए कौन सी कंपनी है जिसने की ऑर्केस्ट्रा टेक का 100% स्टेक खरीदने का प्लान किया है, 187 करोड़ रुपए में पूरी कंपनी है खरीद लिए ले रहे हैं, है ना। यू लाइक हॉलीवुड मूवी, बहुत बढ़िया। मैं तो जब तक जो है पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस जोड़ के वो करता हूं तब तक मूवी खत्म हो जाती है, इसलिए मैं नहीं देखता। कौन देखे इतनी महंगी मूवी जिसमें दिमाग लगाना पड़े। ठीक है शशांक करेक्ट है, रजनी करेक्ट है, इसका आंसर है LNT लार्सन एंड टूब्रो। ठीक है यस चलेगा, लार्सन एंड टूब्रो आपकी कंपनी है LNT। यस तो LNT की अगर बात करें तो LNT का हेडक्वार्टर आपका पड़ता है मुंबई में। इसकी शुरुआत हुई थी 1938 में। 1938 में आपके दो डानिश इंजीनियर थे, ठीक है दो डानिश इंजीनियर थे, एक का नाम था हेनिंग हॉल्क लार्सन और एक का नाम था सोरेन क्रिश्चियन टूब्रो। ये दोनों आपके डानिश इंजीनियर थे जिन्होंने इंडिया में रिफ्यूज लिया था, यानी कि इंडिया के शरणार्थी थे, और इन्होंने ये कंपनी शुरू की थी। ठीक है दोनों के दोनों आपके इंजीनियर थे, ये सब हरकतें इंजीनियर्स की होती हैं। इस समय वर्तमान में जो सीईओ है उनका नाम है SN सुब्रमण्यन। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, मॉड्यूलस हाउसिंग जो है आपकी वो किस IIT ने शुरुआत की है, किस IIT ने मॉड्यूलस हाउसिंग शुरुआत की है, जो कि आपका एक पोर्टेबल हाउस हॉस्पिटल यूनिट है और इसका नाम है मेडिकैब। मेडिकैब करके आपका पोर्टेबल हाउसिंग यूनिट है, मैं आपको इसकी फोटो भी दिखा दूंगा। यह है बहुत सही चीज, चार 2 से 3 घंटे के बीच में कुल 4-5 लोग मिलकर इसको लगा सकते हैं, 4-5 लोग आराम से मिलके 2-3 घंटे में इसको सेट कर सकते हैं, इतना सही चीज है ये। यस IIT मद्रास करेक्ट है, यस IIT मद्रास ठीक है। शशांक रजनी सचिन सुबलक्ष्मी करेक्ट है, IIT मद्रास। तो अगर आप देखोगे तो ये आपको दिख रहा है, ठीक है फोटो में देख पाएंगे, तो ये जो आपकी यूनिट है ये आपकी पोर्टेबल यूनिट है, जिसको कि बोलते हैं ये मॉड्यूलस कंपनी जो बनाई है। ठीक है ये आपकी जो है मद्रास से शुरू हुई है और इसको अभी जो लॉन्च किया गया है वो किया गया वायनाड में। ठीक है केरला के वायनाड में सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया COVID-19 पेशेंट्स के लिए, IIT दिल्ली नहीं IIT मद्रास। ठीक है देख रहे हो ना कितनी छोटी, जैसे वो बड़े वाले जनरेटर नहीं आते हैं उतना बड़ा है ये, याद है ना वो बड़े वाले जनरेटर जो कंपनी अंपनी में लगे होते हैं, उतनी बड़ी है यूनिट ये। चलिए वो पहला देश कौन सा है जिसने की COVID-19 के लिए ह्यूमन ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं, यानी कि मानवीय परीक्षण आपके शुरू किए हैं आप। ठीक है आज सही है ना क्लास, आज सही है ना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ। हाँ ठीक है मान लेते हैं तुम कह रहे हो तो, यस शशांक अमन सचिन सुशांत सुषमा ठीक है, इसका आंसर है रशिया। ठीक है शुभलक्ष्मी नीतीश करेक्ट है, रशिया इसका आंसर है। ठीक है रशिया में आपकी जो वो है उनका नाम है एलिना स्मॉलिर चुक है भगवान। ठीक है कुछ तो इन्होंने नाम है, हम एलिना नाम से चला लेंगे, है ना हमारी बहुत अच्छी दोस्ती तो हम पहले नाम से चलाएंगे, एलिना नाम है। और इन्होंने क्लिनिकल रिसर्च शुरू किया है मेडिकेशन पे, ये आपकी सेकेनॉव यूनिवर्सिटी है। ठीक है तो सेकेनॉव यूनिवर्सिटी में आपकी इन्होंने शुरू किया है एलिना स्मॉलियर चुक में। ठीक है इंडिया तो शुरू करेगा ही करेगा करेक्ट। 2022 का जो डाकर यूथ ओलंपिक्स था वो आपका किस ईयर के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, डाकर एक जगह पड़ती है सेनेगल में, मैं आपको सेनेगल दिखा दूंगा कहां पड़ता है। ये आपका COVID-19 की वजह से किया गया है, COVID-19 की वजह से इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है प्रशांत करेक्ट है, 2026 की ये पोस्टपोन हुआ है। यस तब तक यूथ बुढ़ा नहीं जाएगा, जो 2020 का यूथ है वो तो 26 तक में बुढ़ा जाएगा ना। चलिए यस अगर आप टीन एज में शुरू करते हैं तो 14 से आप 20 हो जाएंगे,
या सचिन, अमन, रजनी, सुषमा, प्रदीप, करेक्ट है। ठीक है, तो यूथ ओलंपिक जो है आपका, ये ओलंपिक कमेटी करवाती है, आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसको ऑर्गेनाइज कराती है, और ये आपके हर 4 साल में होते हैं, विंटर समर, विंटर समर। तो पहला जो समर वर्जन हुआ था वो आपका हुआ था अगस्त 2010 में सिंगापुर में, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो सिंगापुर पढ़ेंगे, और विंटर वर्जन जो हुआ था वो जनवरी 2012 में आपका ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया का नाम आप जानते हो, यूनाइटेड नेशन से बहुत जुड़ा है, ठीक है, ऑस्ट्रिया में आपका हुआ था। चलिए अब अगर हम बात करें सेनेगल की, जहां पर होने वाला है इस बार डाकर, तो डाकर आपका जो है वो आपकी सेनेगल की वो है कैपिटल है, और सेनेगल आपका पड़ता है अफ्रीका में कंट्री, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा, कैपिटल इसकी डाकर है, कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, प्रेसिडेंट जो है सेनेगल के वो है मैकी साल, यहाँ की लैंग्वेज है आपकी फ्रेंच, और करेंसी है इसकी वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रांक। ठीक है, अगर बात करें तो आपको ये कंट्री यहां पर दिख रही है, ये आपका सेनेगल है, ठीक है, सेनेगल के पास आप देख पा रहे होगे, ये नीचे आपको गुनिया दिख रहा है, यहां पर आपका माली कंट्री है, ये आपका देखो वेस्टर्न सहारा है, ये आपका अल्जीरिया है, ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो देश तो आपको दिखेगा, आप शायद घाना देश को पहचानते हैं, घाना आपका यहां पर है, लाइबेरिया आपका यहां पर है, ठीक है, ये सारे देशों के बीच में है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, स्प्रिंटर डीजे स्टीवेंस जिनको हाल ही में बैन कर दिया गया, वो किस देश से है? शायद ये चीज ना बता नहीं रही होगी, तुमने जो बता दिया अभी, जो चीज नहीं बताई जा रही शायद उसको अगला क्वेश्चन बनाया जा सके। हाँ बूढ़ा किसको बोला है? हाँ बूढ़ा तो जाएंगे, उनको खिलाड़ियों को बोला है तो ठीक है, मुझे लगा तुम मुझे बूढ़ा बोल रही हो। चलिए यस शशांक करेक्ट है, अमन करेक्ट, रजनी, सचिन, सुषमा करेक्ट है, इसका आंसर है मैं तुम लोग का जर्मनी क्यों सही कर रहा हूँ, इसका आंसर यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है, यूएसए है, तुम लोग कंट्री देख के वो लगा रहे हो ना कि जर्मनी वाले ये सब हरकतें करते हैं, ना 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 ना। चलिए तो स्प्रिंटर डेजा स्टीवेंस जो है इनको बैन किया गया है उसमें, यूएसए के हैं ये, और इनका जो बैन खत्म होगा ना वो आपका जो टोक्यो ओलंपिक है, ठीक है, इनका बैक डेट पे शुरू किया गया है, और टोक्यो ओलंपिक जो है, टोक्यो ओलंपिक जिस दिन खत्म होगा उसी दिन इनका बैन खत्म होगा। टोक्यो ओलंपिक कब हो रहा है आपका? 2021 में, ठीक है, तो अगस्त 2021 में आपका ये टोक्यो ओलंपिक होगा, और जिस दिन ये ओलंपिक खत्म होगा उसी दिन इनका बैन खत्म होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रमेश टीकाराम जिनका 2020 में निधन हो गया था, वो किस खेल से जुड़े हुए थे? हाँ चलिए बोलिए, रमेश टीकाराम जी आपके किस खेल से जुड़े थे? हाँ ठीक है मान लेते हैं, ठीक है, इसका आंसर है पैरा बैडमिंटन, ठीक है, पैरा बैडमिंटन यानी कि आपका विकलांगों के लिए जो होता है, दिव्यांगों के लिए जो बैडमिंटन होता है वो आपका शुरू किया है, तो इनको अर्जुन अवार्ड मिला था, इन्होंने ये पैरा एथलीट थे, पैरा बैडमिंटन प्लेयर थे रमेश टीकाराम, कोरोना वायरस की वजह से इनकी डेथ हो गई, इन्होंने 2002 का जो वर्ल्ड कप हुआ था पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड कप बैंगलोर में, ये इन्होंने ही ऑर्गेनाइज कराया था, ठीक है, दिव्यांगों के लिए जो 2002 में बैंगलोर में पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड कप हुआ था उसका ऑर्गेनाइजेशन, उसको ऑर्गेनाइज इन्होंने ही कराया था, ये ना याद रखना। अगला ये है, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे आपका किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे, रुके रहना लास्ट तक, अभी आपके 3-4 क्वेश्चन और हैं, उनके साथ वाली इंफॉर्मेशन भी देख लेना क्योंकि काफी स्टैटिक जीके का पार्ट है उसमें, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे आपका किस दिन मनाया जाता है? हाँ ठीक है शशांक करेक्ट है, इसका आंसर है 17 जुलाई, चलेगा, ठीक है, सुषमा गुड मॉर्निंग, आयुषी, रजनी, अमन करेक्ट है, इसका आंसर है 17 जुलाई, ठीक है, तो ये आपका जो वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस है इसको हम लोग डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस भी बोलते हैं या इंटरनेशनल जस्टिस डे भी बोलते हैं, इंटरनेशनल जस्टिस डे भी बोलते हो, डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस भी बोलते हो, या वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस बोलते हो, जब तुम्हें मन करे बोल लो, ठीक है, ये आपका जो है जुलाई 17 को मनाया जाता है, और जुलाई 17 को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो बनाना था हमको, आईसीसी जो बनाना था उसके लिए जो ट्रीटी साइन हुई थी वो ट्रीटी आपकी इसी दिन साइन हुई थी, ठीक है, 2010 में कंपाला युगांडा में आपकी ये ट्रीटी साइन हुई थी और उसी की याद में हमने इसको मनाना शुरू किया था, ठीक है याद रखना।
चलिए, सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन आपका कौन से राज्य में लगता है? सिंगरौली। बोलिए, सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन। और गाइज, अगर क्लास पसंद आ रही है तो कल से आप लोग सुबह 8 बजे टाइम पर रहो। शुरुआत से क्वेश्चंस का देखो, मैं मुझे 2 घंटा लगता है तुम्हारा आधा घंटा बनाने में। हाँ ठीक है। अमन सुषमा रजनी, करेक्ट है। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बने उत्तम प्रदेश, है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश है। सिंगरौली जो है आपका, ये शक्तिनगर में लगता है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और ये आपका जो है पावर प्लांट, पहला पावर प्लांट है एनटीपीसी का, ठीक है। इसके अलावा ये आपका जो है जयंत और बीना माइंस को जो है यहां पर जो कोल आता है सिंगरौली में, वो आपका जयंत और बीना माइंस से आता है, और पानी इसका आता है रिहंद नदी से, ठीक है। चलिए, सोनभद्र आपका इकलौता डिस्ट्रिक्ट है इंडिया का, जो कि 4 स्टेट्स में लगता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यानी कि इसके चार तरफ जो है चार राज्य लगते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। शुरुआत हुई थी आपके सिंगरौली थर्मल स्टेशन की 1986 में। ये आपका सबसे पुराना थर्मल पावर प्लांट है, और 2015 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। अभी अगर हम जगहों की बात करें तो आपका एक फॉसिल पार्क है, जहां पर 20 मिलियन ईयर से भी पुराने जो है फॉसिल्स पाए जाते हैं, सालखान फॉसिल पार्क। ये आपका सोनभद्र में पड़ता है। मुक्खा फॉल आपका पड़ता है, जो कि बेलन नदी पर है। बेलन नदी आपकी टोंस नदी की ट्रिब्यूटरी है, और ये आपकी प्रयागराज के पास आके टोंस नदी में मिलती है। मुक्खा फॉल भी आपका यहीं पड़ता है, ठीक है। रिहंद बांध जो है, जिसको आप गोविंद बल्लभ पंत सागर बोलते हो, ये इंडिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। ये आपकी रिहंद नदी पर है, और रिहंद नदी आपकी सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है। ये भी आपका सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट का नाम भी सोन नदी के नाम पर पड़ा था, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहां पर सोना इसके किनारे मिलता था, वही वही जगह जहां पर बोला था कि हमें लाखों टन सोना मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर धनरूल डैम पड़ता है, जो कि आपका घग्घर नदी पर पड़ता है, नेपाल के पास से आती है घग्घर नदी। और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि 1982 में बनी थी, ये भी आपकी इसी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। यहां पर एंटेलोप, ब्लू बुल, वाइल्ड कैट, कराकल और बिज्जू, ये 5 जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। हाँ, ये है आपका, अगर आप देखना चाहते हो तो सोनभद्र आपका ये है, ठीक है। यूपी में पिछली वाली टांग में आपका सोनभद्र लगता है। फरजाद बी गैस फील्ड आपका किस देश में है? फरजाद बी गैस फील्ड आपका किस देश में है? इनसे हमारी कट्टी हो गई है अभी। पहले हमने इनके साथ एक थाली में बैठ के खाया, अब हमारी कट्टी हो गई इनसे, है ना। हाँ ठीक है। अरे मेरा ही नेट पीछे चल रहा है, तुमको तो और जल्दी दिख रहा है, ठीक है। शशांक करेक्ट है, इसका आंसर है ईरान, ठीक है। फरजाद बी गैस फील्ड जो है हमारी, वो पड़ती है ईरान में। यस सचिन करेक्ट है, ईरान आंसर, ठीक है। चलिए, तो फरजाद बी जो है ये आपका 2012 में डिस्कवर किया गया था ये गैस फील्ड, और ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है हसन रूहानी। कैपिटल आपकी ईरान की तेहरान है, करेंसी यहाँ की ईरानियन रियाल है, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है आपकी पर्शियन, यानी कि फारसी। ईरान को आपका पर्सिया भी बोला जाता है। हाँ चलिए, अगर आप बात करेंगे तो देखो, ये आपका जो जगह है ये आपको ईरान दिख रहा है पूरा, ठीक है। इस ईरान में आपका ये फरजाद गैस फील्ड है, फरजाद बी गैस फील्ड आपका ये बना हुआ है, ठीक है, 2012 में। अगला ये है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? शायद इसी वजह से नहीं बताया गया था शुरुआत में, शायद ये वजह थी कि आपको आंसर बीच में नहीं बताया गया था। कट्टी नहीं, कट्टी ही तो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हेग करेक्ट है, करेक्ट। शशांक, सुषमा, सचिन करेक्ट है, इसका आंसर है हेग, ठीक है। अमन, प्रदीप, रजनी करेक्ट, हेग आंसर है, ठीक है। चलिए, सो गाइज, ये थी। अब आज से 4:30 बजे आपकी स्पेशल क्लास शुरू होने वाली है, 4:30 PM। आपने फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लो। आज हम लोग करेंगे पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी के इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे आज। आप लोग 4:30 PM आ सकते हो क्लास में, आइए, मजा आएगी आप लोगों को, कुछ अच्छा ही सीखोगे। ये दो कोर्सेज चल रहे हैं, 9 AM और 6 PM पे, जिनको कि आप ज्वाइन कर सकते हो, स्ट्रेटेजी जीके और जियोग्राफी का। अगले महीने के लिए आपके 7 अगस्त से ये करंट अफेयर्स का कोर्स आ रहा है,
तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसी तरीके से डिटेल में हम लोग और बात करेंगे आपके जनवरी से जुलाई की सारी चीजों पर जो कि आपको पढ़ना है। इसके अलावा रीजनिंग का आपका रैंक बूस्टर कोर्स आ रहा है जो कि 6 बजे चलेगा, दोनों 7 अगस्त से आ रहे हैं, इनरोल कर सकते हो आप। इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो अनअकैडमी रेलवे एग्जाम्स पर चले जाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्लास पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और 8 बजे सुबह वापस रहिए, ठीक है? चलिए, सारे के सारे आंसर आपको मिल जाएंगे इन क्वेश्चंस के। तो आंसर आपको चाहिए तो आपको ये मिल जाएंगे, और गाइस फॉलो करके शाम को मिलते हैं, ठीक है? चलिए, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, नहा लेना टाइम निकाल के, बस और क्या जरूरी है।